जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय परिसर में 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि 13 अगस्त द्वितीय शनिवार को दीवानी कचहरी में जिला जज तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही जनपद में स्थित बाह्य न्यायालय बांसगांव, ग्राम न्यायालय कैंपियरगंज, चौरी चौरा व गोला के अतिरिक्त अन्य तहसील मुख्यालय पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में विशिष्ट विषय आपराधिक समनीय वाद, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना याचिकाएं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल वादों, सर्विस वादों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्री लिटिगेशन स्टेज पर मामलों को भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा तथा यातायात संबंधित चालानों को वेबसाइट के द्वारा ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान कर घर बैठे ही निस्तारण करा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया, किस तरह के मामलों का निस्तारण हुआ? ये 13 अगस्त 2022 द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश श्री तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में दिनांक 13 अगस्त 2022 द्वितीय शनिवार को दीवानी कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जनपद गोरखपुर में स्थित बाह्य न्यायालय बांसगांव, ग्राम न्यायालय कैंपियरगंज, चौरी चौरा, कोला के अतिरिक्त दंड अन्य तहसील मुख्यालयों पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में विशिष्ट आपराधिक समनीय वाद, धारा 138 प्राक्रम लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल विवाद, सर्विस वाद जिसमें किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विशिष्ट अनुदेश वाद एवं अन्य मामलों को सुलह समझौते के आधार पर नियत न्यायालय में निस्तारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन स्टेज पर मामलों को भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा तथा यातायात संबंधित चालानों को वेबसाइट vcourt.gov.in के द्वारा ईमेल के माध्यम से भी भुगतान कर घर बैठे ही निस्तारण करा सकते हैं।